गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि हमने कल आपको इससे पहले वीडियो में आपको बताया था ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन द यूएसएसआर, यानी वो टॉपिक जो है हमारा थोड़ा सा रह गया था। उस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, कुछ रह गई थी जो बाद में आपकी चीज़ें कुछ रह गई थी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के। तो यानी द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड में रशियन रेवोल्यूशन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा एंड यूएसएसआर का, जो सोवियत रशिया का बना था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसके साथ साथ जो है रशियन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरे आपके वर्ल्ड के अंदर, क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस उसका था। तो इससे पहले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था यही आपका जो है टॉपिक यही था। इससे पहले आपने पढ़ा था कि आपका जो ग्रेट ब्रिटेन था उसमें भी आपका कम्युनिस्ट पार्टी बननी शुरू हो गई थी, और अमेरिका जो था उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी बननी शुरू हो गई थी, यानी जो रशिया से कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी निकली थी वो आइडियोलॉजी धीरे धीरे जो है कॉलोनियल जो कंट्रीज थी, जो यूरोपियन के रशिया से लगती हुई जो कंट्रीज जैसे जर्मनी, अमेरिका तो खैर चलो दूर हो गए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब कंट्रियों के अंदर जो है धीरे धीरे सोशलिज्म की जो भावना थी, जो फीलिंग्स थी लोगों के अंदर वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। किससे? इस रशियन रेवोल्यूशन के इन्फ्लुएंस। अब आगे पढ़ते हैं। हाउएवर बाय 1990s इट वाज ऑब्जर्व्ड द स्ट्रगल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर वाज नॉट कीपिंग विद द आइडियल ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। अब देखिए क्या कहा है, हाउएवर द 1930s इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर में 1950 आते हैं। कब आते 1950, यानी हमने आपको बताया था कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आपके स्टार्ट हुए थे, अक्टूबर और फरवरी रेवोल्यूशन आपकी हुई थी, उसके बाद आपका लेनिन जो है कंट्री के अंदर आ गया था, लेनिन के बाद 1924 के बाद जो है आपका 1924 के बाद आपका जो स्टालिन आया था। तो इस तरह से 1950 आते आते रशिया के अंदर जो है जो एक यूएसएसआर के अंदर जो है आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी या कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक स्टाइलिश गवर्नमेंट बन गई थी, दैट्स वाज नॉट कीपिंग विद द आइडियल ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, और यही चीजें जो थी रशियन रेवोल्यूशन की आइडियल्स थी। देखिए मैंने क्या बताया आपको अभी, इससे पहले टॉपिक सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इस टॉपिक में, तो आपने आपको बताया था कि रशियन रेवोल्यूशन होने का कारण क्या था। रशियन रेवोल्यूशन होने का कारण था जो थिंकर्स थे जैसे कार्ल मार्क्स था आपका और दूसरे जो थिंकर्स थे उनकी सोच क्या थी, वो रॉबर्ट ओवन था, ठीक है ना, तो इनकी थिंकिंग क्या थी, इनकी थिंकिंग थी सोशलिज्म को लाना रशिया के अंदर, एक सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करना जिसमें कि सभी या वर्कर्स हो, पेशेंट्स हो, कोई भी हो, सभी को बराबर दर्जा दिया जाए और सभी को बराबर इक्वल राइट्स मिले और सभी के पास जो है जो पैसा हो सभी के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो वही चीज जो है बताएगी कि 1950 आते आते स्टालिन गवर्नमेंट के अंदर यूएसएसआर के अंदर सारी चीजें जो है रशिया के अंदर फैलनी शुरू हो गई। नो डाउट द बैकवर्ड कंट्री बिकेम द ग्रेट पावर, यानी ये बिल्कुल डाउट नहीं कि जो बैकवर्ड कंट्रीज था, बैकवर्ड कंट्रीज कब था, इट मीन्स जिस कंट्रीज के अंदर पेशेंट लोग या वर्कर लोगों की संख्या जो ज्यादा थी, उन्होंने जो है इस थ्योरी को अपनाया, किसको, सोशलिज्म की थ्योरी को अपनाया, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द पुअर वाज बीइंग फील्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो सोशलिज्म का था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस को अपनाया और एग्रीकल्चर के प्रोसेस को, यानी किसी भी कैपिटलिस्ट के हाथ में इंडस्ट्री को ना देकर बैकवर्ड कंट्रीज ने धीरे धीरे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पावर जब अपने हाथ में ली तो उस कंट्री में धीरे धीरे क्या होने लगा, डेवलप होने लगा, वो कंट्री भरण पोषण होने लगा, मतलब उनको जो है अच्छी तरीके से जो है पालन पोषण होना शुरू हो गया उस कंट्री के अंदर। जब बैकवर्ड कंट्री थी वो धीरे धीरे डेवलप करने लगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सोशलिज्म की भावना ये कहती है, सोशलिज्म की फीलिंग ये कहती है या थ्योरी ये कहती है कि कोई भी अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाते हैं तो प्रॉफिट उसमें से होता है, प्रॉफिट को हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। कैपिटलिज्म में जो पूंजीपति होती है वो फैक्ट्रियां लगाते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का अंतर भी चेंज में चले जाता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट, बट इट हैज डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, लेकिन रशिया के अंदर क्या हुआ, रशिया के अंदर ये हुआ कि लेकिन जो उनके एसेंशियल फ्रीडम था, उनका एसेंशियल फ्रीडम, जो लोगों का एसेंशियल फ्रीडम था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, सिटीजंस का डिनाइड होता चला। कारण क्या था, कारण मैंने आपको बताया था, स्टालिन से आया था, स्टालिन ने कहा था कि ठीक है आप जो है अपनी जमीन है उसका क्या कर देते हैं, उसको एक ग्रुप में हम जो है ले लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, जितना प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन वहाँ के पीपल्स इस चीज़ को नहीं माने, उस
उसने क्या किया, उसने जो है अलग तरीके से यानी जोर जबरदस्ती करके जो इस प्रोसेस को करवाया था। दैट्स एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज, यानी पॉलिसीज लगाकर अलग अलग तरह की नीति लगाकर यानी दबाव में लाकर ये सारी चीजें जो है उनके फ्रीडम्स को जो है उनके एसेंशियल फ्रीडम को जो है वो डिनाई करते चले गए। द इंटरनेशनल रेपुटेशन, अब क्या है इंटरनेशनल रेपुटेशन का मतलब, जो पूरा आपका विश्व था ग्लोबल यानी पूरा वर्ल्ड था, वर्ल्ड के अंदर जो यूएसएसआर की रेपुटेशन थी वो क्या होती चली गई, एज सोशलिस्ट कंट्री है डिक्लाइन, यानी सोशलिस्ट की भावना की तरह जो है डिक्लाइन होती चली गई इंटरनेशनल रेपुटेशन के उसके। कारण क्या था, कारण वहाँ पे जो एक तरह से जो थिंकर्स थे जो सोशलिस्ट लाना चाहते थे रशिया के अंदर वो नहीं आ पाया। देखिए जो सोशलिस्ट था ये कम्युनिस्टिज्म जो था या सोशलिस्टिज्म जो था ये एक अच्छा प्रोसेस था, ये क्या था बहुत ही अच्छा प्रोसेस था, अगर कोई भी कंट्री इसको यूज करता या कोई भी कंट्री इसको अपनाता तो दोनों कंट्री अपने आप डेवलप करना शुरू कर देता। लेकिन हुआ क्या, प्रोसेस अच्छा था लेकिन जो यूज करने के वाले थे जो वहाँ के जो मोनार्की सिस्टम्स थे जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने जो इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। कमी इस सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म में कमी नहीं थी, कमी कहाँ थी, कमी वहाँ के लीडर्स में थी, जो लीडर्स उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सके कहाँ पर अपनी कंट्रीज के अंदर। तो इसीलिए इसलिए सोशलिस्ट की फीलिंग्स जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो रेपुटेशन थी वैसे सारी वो धीरे धीरे खत्म होती शुरू। हाउएवर द सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉय द रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, हाउएवर सोशलिस्ट आइडियल्स, जो सोशलिस्ट आइडियाज थे वो लोगों के अंदर एक रिस्पेक्ट यानी जो उनके आइडियाज थे किसके सोशलिस्ट के जो आइडियाज थे वो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर लोगों के अंदर जो है रिस्पेक्ट का कारण बनने शुरू। यूएसएसआर के अंदर भी सोशलिस्ट थे लेकिन उनको सही तरह से वो अप्लाई नहीं कर सके तो इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट था ना खत्म होती चली गई। लेकिन जो सोशलिस्ट आइडियाज थे जो अदर कंट्रीज के अंदर फैलने शुरू हो रहे थे सोशलिस्ट आइडियाज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है रिस्पेक्ट लोगों से ली किसने सोशलिस्ट आइडियाज। तो ये टॉपिक जो है हमारा खत्म हो गया और इसी के साथ जो है आपका पूरा चैप्टर जो है आपका सेकंड चैप्टर जो है रशियन रेवोल्यूशन को खत्म होता है। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उनको समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।